इन क्लास कैसे बेटा आप लोग, ठीक है। चैप्टर 10 पढ़ा था हमने हींग वाला, एक खान था जो हींग बेचता है और जब वो उसके पास जाता है, इसके पास सावित्री के पास हींग देने के लिए, तो उसके पास पहले से बहुत हींग होती है तो मना कर देती है, उसके बच्चे भी कहते हैं नहीं लोगे, लेकिन खान ने वो जबरदस्ती उसको हींग देकर आ जाता है, बोलता है कि भैया मैं अपने देश जाऊंगा, पता नहीं कितने दिन में आऊंगा, जब तक आपके पास हींग होनी चाहिए, ठीक है। फिर अचानक दंगे हो जाते हैं तो बहुत से खान मारे जाते हैं, तो बहुत दिन से खान नहीं आया, तो सावित्री सोचती है शायद वो दंगों में मारा गया होगा। एक दिन क्या होता है, बच्चे का अचानक खान आ जाता है, तो सावित्री उसको देख के खुश हो जाती है, वो कहती है सब ठीक है, आप इतने दिन तक कहाँ थे, तो उसने कहा मैं अपने घर पे गया था। अब क्या होता है बच्चों, माहौल थोड़ा होली का था, तो दंगे हिंदू मुसलमानों के दंगे हो रहे थे, तो एक दिन काली का जुलूस निकलना था, तो सारे बच्चों ने अपनी माँ से कहा हमें जुलूस देखना है, तो उसने कहा मैं तो इतनी भीड़ में नहीं भेजूंगी, तो जो उनका नौकर था उसने कहा मैं ध्यान रख लूंगा, मैं इन बच्चों को ले जाता हूँ। अब वो ले जाता है, बहुत देर तक आते ही नहीं है, बच्चे आते ही नहीं है, सावित्री को टेंशन होती है अभी तक भी नहीं है क्या हुआ। फिर अचानक लोग बताते हैं कि दंगे हो गए, पुलिस ने गोली चला दी, और वो बहुत डर जाती है अपने बच्चों के लिए, भगवान के प्रसाद बोलती है, भगवान के हाथ जोड़ती है, मेरे बच्चे राजी खुशी आ जाए, उसके बच्चे नहीं आते, तो बहुत घबरा जाती है। सब लोग कहते हैं बहुत भयंकर दंगा हो गया, मारे गए लोग, है ना, और वो सोचते मेरे बच्चों का क्या होगा। लेकिन तभी अचानक एक गाड़ी रुकती है और खान उन तीनों बच्चों को लेके आ जाता है। फिर वो सावित्री से कहता है कि मैं आपका बड़ा बेटा हूँ और आप इन बच्चों को ऐसे टाइम पे क्यों भेजते हो, है ना। और फिर वो जो बच्चे हैं जो हमेशा खान से गुस्सा रहते थे, वो भी उनसे दोस्ती कर लेते हैं, उसको अपना भाई बना लेता। तो ये अपनी कहानी थी जो हम पढ़ चुके थे, आगे हम इसके करेंगे प्रश्न उत्तर। देखिए, पहले सावित्री खान से हींग क्यों नहीं लेना चाहती थी। पहले सावित्री हींग इसलिए नहीं लेना चाह रही थी क्योंकि उसके पास पहले से ही बहुत हींग रखी हुई थी, क्योंकि उसके पास पहले से ही हींग रखी हुई थी, ठीक है। खान द्वारा जबरदस्ती हींग दिए जाने पर बच्चों ने क्या कहा, बच्चों ने कहा हींग की जरूरत नहीं है, या फिर हमें जो हींग नहीं खरीदनी, बच्चों ने कहा हमें हींग की जरूरत नहीं है, ठीक है। बच्चे किस बात को लेकर नाराज थे, माँ ने खान से हींग ले ली थी इस बात से नाराज थे, माँ ने खान से हींग खरीद ली थी इस बात से नाराज थे, ठीक है। बच्चों को कितने पैसे मिलने थे, उन्होंने पैसे आपस में बांटने का निश्चय कैसे किया, उसने कहा था एक आने होंगे जिसमें 16 पैसे होते हैं, ठीक है, तो चुनू मुन्नू ने 6-6 12 लिए और जो बेटी थी उसने 4 आना लेना शुरू किया, तो 6-6 आने और बेटी ने 4 आने लिए, ठीक है। हिंग वाला खान तो नहीं मार डाला गया, सावित्री को ऐसा क्यों लगा, तो क्योंकि दंगे हो रहे थे, हिंदू मुसलमानों की दंगे फैल रहे थे बहुत ज्यादा, और हिंग वाला खान बहुत दिन से सावित्री के पास नहीं आया था, बहुत टाइम से सावित्री के पास नहीं आया था, इसलिए उसको लगा कहीं वो मारा तो नहीं गया। आगे बात समझ में, शहर में दंगे हो रहे थे और बहुत टाइम से, बहुत समय से हिंग वाला सावित्री के पास नहीं आया था, इसलिए सावित्री को लगा कहीं वो मारा तो नहीं गया, क्योंकि दंगों में 3 खान के मारने की सूचना मिली थी, ठीक है। खान पैसा फिर आकर ले जाएगा, खान के कदम से सावित्री के प्रति उसकी कौन सी भावना झलकती है, प्रेम की, है ना, वात्सल्य की। वो अपने वो माँ के रूप में सावित्री को देखता था, स्वयं को सावित्री का बेटा बताता था, तो उसने हींग दी और जब खुले पैसे नहीं थे उसने कहा मैं बाद में आके ले जाऊंगा, तो विश्वास और प्रेम की भावना झलकती है, ठीक है। सावित्री बच्चों को काली के झूठ में क्यों नहीं भेजना चाहती थी, क्योंकि एक तो रात का समय था और दंगों का डर था, दंगों का डर होने की वजह से सावित्री बच्चों को जुलूस में भेजना नहीं चाहती थी, ठीक है। बच्चों के जुलूस में वापस न आने पे सावित्री ने क्या किया, बच्चों के जुलूस पे वापस न आने पे सावित्री बहुत ज्यादा घबरा गई, उसने लोगों से मदद मांगी लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं करी और वह देवताओं को मनाने में लग गई, ठीक है। जुलूस क्या है, बच्चों के जुलूस में वापस न आने पे सावित्री बहुत ज्यादा घबरा गई, बहुत ज्यादा डर गई, उसने लोगों से मदद मांगी बट किसी ने भी उसकी सहायता नहीं करी और उसे देवताओं के आगे अपने हाथ पसारे, देवताओं से अपने बच्चों की सलामती मांगी, ठीक है। देवी देवता मना डाले का क्या अर्थ है, देवी देवता मना डाले का अर्थ है कि सावित्री ने अपने बच्चों की रक्षा के लिए देवी देवताओं के
बच्चों की रक्षा के लिए देवी देवताओं के आगे हाथ जोड़े। बच्चों को कई बार देखते हैं ना, हम जब मुसीबत में होते तो हम सबसे पहले भगवान से, भगवान जी प्लीज मेरी परेशानी दूर कर दो, भगवान जी ऐसा कर दो, क्योंकि जब कोई भी साथ नहीं देता तब केवल एक ईश्वर ही होता है जो हमारे पास होता है और वही हमारी सहायता करता है। इसलिए हमें अपनी परेशानी ईश्वर को बतानी चाहिए। ठीक है, तो आंसर समझ में आ गया। देवी देवता मना डालने का मतलब है कि जब सावित्री के बच्चे घर नहीं लौटे तो उसको बहुत चिंता हुई और उसने देवताओं के आगे हाथ जोड़े, भगवान के आगे हाथ जोड़े और अपने बच्चों की सलामती मांगी। ठीक है, तो आपको मौखिक प्रश्न करना है और लिखित प्रश्न करना है। अब देखो, ये देखो टिकता कर, सावित्री के छोटे बेटे ने हींग की पुड़िया उठाकर कान के पास फेंक दी, क्या आएगा इसमें? हाँ, फेंक दी थी ना सावित्री के सबसे छोटे बच्चे की उम्र 2 साल की थी क्या? बताओ कितने साल की थी? हाँ, बच्चे लोग शाम के सब काले जूस देखने गए थे, ये 2 साल की थी। हाँ, होली के अवसर पर दंगों में हींग वाले खान की मौत हो गई थी क्या? नहीं, काले की जूस में दंगों में पुलिस ने झूठे फायर किए गए थे। हाँ, ठीक है, अभी कुछ नहीं लेना जाओ। किसने कहा था? सावित्री के बेटे ने किससे कहा था? हींग वाले से। बेटे को भी क्या कभी मां से डर हुआ है जो मुझे होता? हींग वाले ने, खान ने सावित्री से, खान ने सावित्री से भेज दो ना मां जी, मैं भी दिखा कर लाता हूं। किसने कहा था? नौकर ने सावित्री से, सावित्री से, नौकर ने सावित्री से। ऐसे भाग क्यों रहे हो? काले का जूस तो निकल गया ना। सावित्री ने लोगों से, जो जनता भाग रही थी उनसे कहा था, नहीं दोस्त नहीं, हम तुम्हारा भाई है भाई। खान ने बच्चों से, ठीक है, ऑप्शन आ, खान किस देश का रहने वाला था? अफगानिस्तान का। खान कौन सी हींग बेचता था? हेरा हींग। सावित्री के कितने बच्चे थे? 4। ठीक है, ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, अभी बहुवचन है, जैसे डिब्बा का डिब्बे है ना, डिब्बों को, बच्चा का बच्चे बच्चों को, पैसा का पैसे पैसों को, बेटा का बेटों बेटे बेटों को, दरवाजा दरवाजे दरवाजों को, लड़का लड़के लड़कों को, बुक में कर लेना। ठीक है, तो बुक वाले एक्सरसाइज बुक में करोगे और इसके मौखिक और लिखित प्रश्न करोगे। ठीक है, थैंक यू।